तुम्हारा खेल खत्म रहा है। अब मैं इन पेपर्स का यूज करके डिवोर्स फाइल करा दूंगा। तुमने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया उसे कैसे भूल सकता हूँ? तुमने मुझसे जो छीना वो सब वापस ले लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। अब तुम ना इस घर की मालकिन रहोगी और ना ही मेरी पत्नी। अब सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ तरह और संस्कार की शादी शादी और दूसरी तरफ तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। कुछ नहीं हुआ है, ये बस जंगलों में बेलों के बीच में फंस गई। पानी पानी दो, पानी दो। सोना उठो सोना। क्या हो गया सोना? तो ठीक है ना, पानी पी पहले। माँ आप उसे कुछ मीठा खिलाइए। ये मिठाई दे दीजिए, वो अभी अभी बेहोशी से उठी है ना, उसे अच्छा लगेगा। हम उसके लिए दवाई लेकर आते हैं। क्रीम लगा दीजिए, उसे अच्छा लगेगा। क्या हुआ ये सब? तू बता क्यों नहीं रही है? कैसे लगी तुझे ये चोट? और बाकी लोगों को इनकी बाड़ी छोड़ाओ। वाह, मासी का है। हाँ मिस अदास, हाँ मैंने पेपर साइन करवा लिया, कल सुबह ही मैं आपको कुरियर कर दूंगा। प्लीज आप जल्द से जल्द इन्हें सबमिट कर दीजिएगा। एक बार ये पेपर सबमिट हो जाए उसके बाद मेरा और अग्नि का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर हमारी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं रखता हूँ। धक्के मार के निकालूंगा अग्नि को इस घर से और मेरी जिंदगी से। लक्ष्य, खाना खाने चले। क्या हुआ लक्ष्य, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? लक्ष्य, हमने माँ से अभी अभी बात की, उन्होंने कहा स्वरा अब ठीक है, आराम कर रहे। रागिनी वहीं रुक जाओ।
एक कदम भी आगे मत बढ़ा। नक्श, आप ये क्या कह रहे हैं? मतलब मेरे कमरे में घुसने की कोशिश भी मत करना। नक्श, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको हो क्या गया है? हमने कुछ किया है क्या? कोई गलती हुई है हमसे तो बताइए ना। नक्श, हम जानते हैं कि स्वरा की तबीयत को लेकर आप परेशान हैं, पर स्वरा की फिक्र हमें भी है। बहन है वो हमारी। और जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा हाथ नहीं है, पर हमने कुछ नहीं किया है। लक्ष्य, हम तो खुद मासी और माँ की बातों को लेकर परेशान हैं। बस रागिनी, बस। लक्ष्य, आपको मेरे कान अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। ये मतलब खाली कैसे? रागिनी का साइन किया हुआ पेपर कहाँ है? हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हमारे साथ यूं बर्ताव कर रहे हैं? गलती क्या है हमारी? रागिनी, मैंने कहा ना मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें बाहर लेके जा रहा हूं। ओह, फिर से बेवकूफ बन गई। रागिनी, मैंने तुम्हें कहा ना मैं अपने ड्रामा स्किल्स को पॉलिश कर रहा हूं। चलो चल के अपनी बीवी का मूड ठीक करते हैं। नक्श, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? बार बार हमें कैसे डरा सकते हैं? अच्छा सॉरी ना रागिनी। नक्श, हमारी जान निकल गई थी। पक्का? अब की बार मैं ये गलती रिपीट नहीं करूंगा। सॉरी ना। अच्छा अब तो चलो। अच्छा चलो। सॉरी सर। शोना, तूने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया कि जंगल में दरअसल हुआ क्या था। पर तेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? सच माच, कुछ पत्तियां बड़ी ही नोकीली होती हैं। मासी, ये सब आपकी साड़ी में कैसे लग गया? हम तो बाहर पतंग उड़ा रहे थे। ये सब, मैं आपको वैसे भी पूछने ही वाली थी कि आप जंगल में क्यों गई थी। ईश्वरा, तू जाकर आराम करना, सवाल जवाब काहे कर रही है? रहने दीजिए माँ, पूछने दीजिए। तो क्या पूछ रही थी तुम कि हम जंगल में क्या करने गए थे? हम जंगल में ये जड़ी बूटियां लेने गए। ये दवाई खाना हजम करने में बहुत मदद करती है। हमारी बात सुन तू, अगली बार यह स्वरा है ना, इसके दिमाग को ठीक करने की कोई जड़ी बूटी ले आना। छ
सच हो। चल के आराम कर। सच में उर्वशी मासी बहुत सफाई से झूठ बोलती है। क्या हुआ? आज करियो। आज भी बच्चों की तरह आइसक्रीम खाते हैं। ऐसा? बच्चा हूँ मैं। नक्श, आप क्या कर रहे हैं? कोई भी आ सकता है। हाँ, हाँ तो देखने दो। मिसेस रागिनी लक्ष्मीश्वरी। मिसेस रागिनी लक्ष्मीश्वरी, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। कैसी रिक्वेस्ट? देखिए, मैं वीजा पेपर्स फिर से बनवा रहा हूँ, तो इस बार उन पर बिना कुछ गिराए उनको साइन कर दीजिए। ताकि मेरा हनीमून वाला प्लान खराब ना। हाँ माँ, तुमसे जरूरी बात करनी है, अंदर आओ। हाँ माँ, आया। क्या हुआ? माँ बुला रही है, तुम जाओ, मैं आता। ठीक है। क्या हुआ माँ? कुछ काम था? ब्लैंक पेपर पर रागिनी के साइन क्यों है लक्ष्य? माँ, ये पेपर आपके पास था और मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। थैंक यू माँ, कीजिए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो लक्ष्य? क्योंकि मैं रागिनी को इस घर और हमारी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ। ये पेपर तुम्हें नहीं मिलेगा। देखिए माँ, प्लीज ये पेपर मुझे दे दीजिए। माँ, इस साइन का यूज करके मैं अपना डिवोर्स फाइल करूंगा। इस पेपर की हेल्प से अपने डिवोर्स के बाद अपना सारा बिजनेस, हमारा घर वापस लूंगा। माँ, मेरी मिस्टर दास हमारे लॉयर से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो कोई ना कोई क्लॉज निकाल लेंगे कि डिवोर्स के बाद रागिनी ना तो इस घर की मालकिन रहेगी और ना ही हमारे बिजनेस पर उसका कोई हक रहेगा। नहीं लक्ष्य, ये डिवोर्स नहीं होगा। शोना, तू क्या कह रही है? सही तो कह रही हूँ माँ, अगर उन्हें इस शादी से इतनी प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि ये शादी होनी नहीं चाहिए, तो वो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? बिल्कुल सही बात है, मुझे तो खुद वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जब से आई है मेरी बच्ची की खुशी में दरार डाल दी है। पता नहीं माँ को भी क्या हो गया है, इतने वर्षों बाद इतना प्यार उमड़ के आ रहा है उस पर। शेखर, तुम क्या कह रहे हो? हम कैसे उन्हें अचानक से जाने के लिए कह सकते हैं? जैसे आइए वैसे बोल देंगे, एक आध फंक्शन हो जाने दे बेटा, वापस भेज देंगे वापस। शेखर, जरूरी बात करनी है मिस्टी, इधर आ जाओ। आपने देखा ना जीजी, ये लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन इन्हें क्या पता कि हम यहां से कहीं नहीं जा सकते। जीजी, कुछ कीजिए ना, जिससे इन्हें एहसास हो जाए कि आप यही हैं। हम कहीं नहीं जा सकते। रागिनी को घर से जाना होगा, उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं उसे यहां नहीं रहने दूंगा। लक्ष्य, उसने जो कुछ भी किया है
सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया है लक्ष्य। जब से न्यू ईयर पे तुमने उसकी जान बचाई है, मैंने देखा है वो बदल गई है। माँ, चीची जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप जाइए बैठिए, हम ये सब कर लेंगे। पापा जी, आप कुछ लेंगे? रातनी तेरे की पूरी नहीं है लक्ष्य। हर आदमी को संभलने का एक मौका जरूर मिलता है, तो फिर ये मौका उसे क्यों नहीं? माँ, क्योंकि रागनी नहीं सुधर सकती। हाँ, भूल गई क्या? उसने हमारे परिवार के साथ कितना गलत किया, कितने धोखे दिए हमें। माँ, उसने आपका चेहरा काला करने की कोशिश की, मेरे पापा को पूरे परिवार के सामने बेइज्जत किया। पर रागनी ने इतना गलत किया, पर अब फिर भी गलतियां हर इंसान से होती हैं। तुमसे नहीं हुई? तुमने रागिनी का किडनैप करने की कोशिश नहीं की? तुमने उसे मारने की कोशिश नहीं की? लेकिन हमने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें घर से निकाल दिया क्या, या छोड़ दिया? हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की लक्ष्य, जब हम ये तुम्हारे साथ कर सकते हैं तो उसके साथ क्यों नहीं? एक बार उसके बारे में भी तो सोचो। देखो लक्ष्य, जब से तुमने उसे अपनाया है ना, वो वाकई बदल गई है। तुम्हारा प्यार उसे संभाल लेगा, उसे भटकने मत दो लक्ष्य, संभाल लो उसे। मां, आपको जो कहना है कही, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आपने माँ क्या करती? सॉरी माँ, पर इस बार आप करने को। रागिनी एक बुरी इंसान जो कभी नहीं सुधर सकती, और ये बात मैं आपके सामने साबित करके रहा हूं। आपने गलत किया, गलत किया आपने। कल का क्या प्लान है? तो कल मैंने तुम्हारे लिए एक डिनर प्लान किया है, और उसके बाद एक छोटा सा सरप्राइज है। सच में संस्कार, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने रोमांटिक हो। इसे एक बात बताओ, शादी के बाद भी ये रोमांस कंटिन्यू रहेगा ना? जी नहीं, शादी के बाद तुम मुझे पैम्पर करोगी, खाना बनाओगी, तुम मुझे सरप्राइजेस दोगी, और तुम मेरा ख्याल रखोगी। पर हाउ मीन? राइट, पर सच बताओ संस्कार, तुमने अभी तक मेरे लिए जो कुछ भी किया, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। आई मीन वो चॉपर राइड, वो प्रपोजल, पिकनिक। सब खराब कर रहा। क्या? कविता, कविता। संस्कार, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इन सब में कविता नहीं, मासी इन्वॉल्व। मैंने मासी को जंगल में जाते हुए देखा था, और उसके बाद वो गायब हो गई। और तुम्हें पता है ना, जब कुंडलियां जली थी तब भी वो वहीं पर थी। वरा, वहाँ पर कविता भी थी। ट्रस्ट मी, मैंने उसे देखा है। और उस दिन थिएटर के बाहर मेरी गाड़ी पर फूल भी उसी ने रखे थे। संस्कार, वो उसका फेवरेट फूल था, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कविता नहीं रखा हो। वही चीज वरा, संस्कार वैसा क्यों करेगी? वो हमारी जिंदगी से जा चुकी है, क्यों उसे बार बार बीच में लेकर आ रहे हो? मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारा पहला प्यार है, तुम्हें उसकी हर एक चीज याद है, पर तुम उसकी हर एक चीज के साथ इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? यू नो, पर तुम जानती हो कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ये लगता है कि मैं अभी कविता को नहीं भुला पाया? पर आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
और वो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैं। एक मिनट संस्कार, हम दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि तुम मेरी बात। सॉरी सॉरी, यही तो वो चाहती है स्वरा, कि हम दोनों के बीच में झगड़े हो, हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाए। यही तो प्लान है कविता का। ओहो, फिर कविता। परा, ये किसकी आवाज है? सब ठीक है ना? नहीं, वो मासी की आवाज थी शायद। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ संस्कार। अब क्या करेगी? हाँ 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 मासी। लक्ष्य लक्ष्य, मासी का फोन आया था, उन्होंने हमें फौरन बाड़ी में बुलाया, शायद वहां कुछ हुआ है, जल्दी चलिए। सुबह आ रही तो तुझे यकीन हो गया ना कि हम सच कह रहे हैं? आज मकर संक्रांति के इतने शुभ दिन पर इतना बड़ा अपशगुन, हम कह रहे हैं ना कि जीजी खुश नहीं है? तो हम उनके आंसू बहा रही है लाडो, वो